गाइस कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का गिकी रिकी के इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों इतने दिनों से मैं आप सभी के लिए वीडियो नहीं बना रहा, पर मेरे पास में टाइम ना होने के कारण दोस्तों आप सभी के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो हम कैनन के 10-18mm वाइड एंगल लेंस का आज अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका टेस्ट देखेंगे कि ये लेंस आप सभी के लिए कैसा है। दोस्तों अभी तक जितने भी मैं वीडियो शूट करता था वो कैनन के 18-55mm के लेंस से शूट करता था, जबकि अब से जो वीडियो आएंगे दोस्तों आपको कैनन EFS 10-18mm के लेंस से आएंगे। इसकी अपर्चर की बात कर लूँ तो 4.5-5.6 ISSTL लेंस का अपर्चर और ये दोस्तों मेड इन ताइवान है। इस लेंस की प्राइस की बात करी जाए दोस्तों तो 19,500 रुपीज़ का ये मुझे पड़ा हुआ है। अगर आपको लेना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है। सबसे पहले दोस्तों पैकेजिंग बहुत ही अच्छी तरह से, मैंने इसको ऑफलाइन रिटेल से परचेस किया है। अगर आप चाहो तो ऑनलाइन रिटेल से भी परचेस कर सकते हो दोस्तों। 2 साल का आपको वारंटी इसके अंदर मिल जाता है। मोस्ट ऑफली अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको एक लेंस लेना है दोस्तों तो आप इस लेंस को जरूर ले सकते हो, क्योंकि ये आपको वाइड एंगल प्रोवाइड करता है 10-18mm पे। तो दोस्तों चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी के सामने मैं बॉक्स को ओपन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों बॉक्स पैकेजिंग की बात करूँ तो बहुत ही अच्छी बॉक्स पैकेजिंग मिली है। इतना सारा लेंस दोस्तों मैंने परचेस किए फिर भी इस तरह की बॉक्स पैकेजिंग आपको किसी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलती। देख लीजिए बस ये बुकलेट और ये सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है और एक बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स की प्राइसिंग जैसे कि बात की दोस्तों, मुझे 19,500 रुपीज़ के अंदर ये प्राइस मिला है दोस्तों। अगर आप सिग्मा का 1835 लेंस लेते हो दोस्तों तो वो आपको लगभग 70,000 के प्राइस में मिल जाता है, जिसका अपर्चर f1.8 है, जबकि ये आपको 10-18mm 4.5-5.6 अपर्चर के साथ में आता है। तो देखिए दोस्तों इसके साथ में कुछ बुकलेट मिली है, तो इसको साइड पर रखते हैं। चलिए लेंस को ओपन कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि लेंस के अंदर क्या खासियत है। तो पैकेजिंग इस तरह का बबल रैप आपको मिल जाता है और इसके अंदर आपको एक लेंस देखने के लिए मिलता है। तो बबल को साइड पर रख देते हैं दोस्तों, अब इस लेंस को ओपन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सब देख सकते हो कि लेंस की क्वालिटी कैसी है। तो आप सब अभी डिस्प्ले के सामने देख रहे हो, थोड़ा जूम करके मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो देखिए कैनन का ब्रांडिंग दिया गया है, इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो 10-18mm का आपको लेंस मिल जाता है, जिसका अपर्चर है 4.5-5.6 ISSTL। इसके अंदर लेंस हुड दोस्तों आपको 67mm का UV फिल्टर आप इसमें लगा सकते हो। ये वाइड एंगल में दोस्तों आपको अच्छा काम करता है। अगर आप 10mm पे भी रखते हो तो भी आपको अच्छा वाइड एंगल देगा, अगर आप 18mm पे जाते हो दोस्तों तो भी आपको अच्छा वाइड एंगल दे देता है। अब दोस्तों इसके अंदर ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस दोनों दे दिया गया है और स्टेबिलाइजर ऑन ऑफ का भी फंक्शन मिल जाता है। तो मोस्टली अगर आप एक नया YouTube चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, अगर आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है दोस्तों, तो इस लेंस को आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस लेंस की क्वालिटी दोस्तों वाइड एंगल प्रोवाइड करने में बहुत ही अच्छी रहती है। जबकि 1855mm लेंस दोस्तों आपको 55mm पे ही आपको अच्छा बुके इफेक्ट देता था, जबकि ये दोस्तों 10 पे भी आपको अच्छा बुके देगा और 18mm पे भी आपको अच्छा बुके इफेक्ट दे सकता है। और इसकी फोकल लेंथ की बात करूँ तो फोकल लेंथ भी बहुत ही अच्छा आपको इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इसको इस लेंस के अंदर अटैच करेंगे और मैं आपको क्वालिटी दिखाऊंगा कि इस लेंस की क्वालिटी कैसी है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसके लिए दोस्तों मैंने एक यूवी फिल्टर भी मंगाया दोस्तों। तो उसका अनबॉक्सिंग भी मैं आपको अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा कि इसका यूवी फिल्टर 67mm का कॉटेक का XD सीरीज का मैंने 2 लेयर्स का यूवी फिल्टर इसके लिए मंगाया है, तो उसकी क्वालिटी आपको इसके अंदर अटैच करके कैसे मिलती है तो मैं आपको अगले आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम अपने कैनन 77D के लेंस के साथ में अटैच करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों ये लेंस आपको किस तरह की क्वालिटी देता है। अभी आप देख रहे हो दोस्तों मैंने 35mm पे 1855mm को लेंस को रखा है, अब दोस्तों 55mm पे करता हूँ, ये दोस्तों मैंने 55mm पे कर दिया है। तो देखिए दोस्तों किस तरह का आपको बुके इफेक्ट मिलता है, जबकि दोस्तों इस लेंस में आप 10 पे भी आपको अच्छा वाइड एंगल मिलेगा और 18mm पे आपको अच्छा वाइड एंगल इसके अंदर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों इस लेंस को मैं आपको मेरे कैमरे में अटैच करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो शूट हो रहा है वो 10-18mm के लेंस से शूट हो रहा है, तो अभी मैंने इसको 10mm पे रखा है दोस्तों। इस लेंस को अभी मैं 10mm पे रखा हुआ, तो देख सकते दोस्तों आप सब कितना वाइड एंगल आपको मिल रहा है, जबकि जो 1855mm का लेंस था दोस्तों इसको मैं 18mm पे रखता था तो आपको अच्छा वाइड एंगल मिलता था, जबकि 55mm पे इसको दोस्तों करता था तो उतना अच्छा वाइड एंगल नहीं मिलता था। जबकि दोस्तों इस लेंस की खासियत है कि अगर आप 10mm पे रखते हो या फिर आप 18mm पे रखते हो तो आपको अच्छा वाइड एंगल मिल जाता है। तो आप सभी जो देख रहे हैं दोस्तों, अभी मैंने इसको 10mm पे रखा है तो आपको अच्छा वाइड एंगल पीछे का आपको ओवर
लुक मिल जा रहा है। चलो दोस्तों इसको 18mm पे कर देते हैं। देखते हैं दोस्तों आपको मैंने इसको 18mm पे कर दिया है तो आप सभी को अभी भी बहुत ही अच्छा वाइड एंगल मिल जाता है। तो दोस्तों इस लेंस की खासियत है, अब अगर आप व्लॉगिंग करने के शौकीन हो, अगर आप आउटडोर में व्लॉग करते हो, अगर आपको एक अच्छा वाइड एंगल इफेक्ट चाहिए दोस्तों तो आप 10-18mm के लेंस को जरूर ले सकते हो, क्योंकि क्वालिटी के अंदर दोस्तों व्लॉगिंग के लिए बहुत ही अच्छा लेंस है। अगर आप एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एक नया यूट्यूबर बनना चाहते हो दोस्तों, तो ये लेंस आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है। अब जितने भी वीडियो दोस्तों मैं शूट करूँगा अपने इस लेंस से शूट करूँगा, इस लेंस को दोस्तों हम बाय बाय कर देंगे। 18-55mm का लेंस दोस्तों, इसको बाय बाय करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इसने दोस्तों मेरा बहुत ही अच्छा साथ दिया है, पर क्वालिटी के मामले में उतना अच्छा लेंस नहीं था। ये आपको अच्छा वाइड एंगल नहीं दे पाता था, अच्छी पिक्चर क्वालिटी नहीं दे पाता था, जबकि दोस्तों 10-18mm आपको अच्छा वाइड एंगल दे रहा है, प्लस अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे रहा है और अच्छी वीडियो क्वालिटी भी आपको दे रहा है दोस्तों। तो अब दोस्तों हम इस लेंस को यूज़ करेंगे। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ दोस्तों तो 19,500 के प्राइस रेंज में ये मुझे मिला है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर इसे परचेस कर सकते हो। अगर आप अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो दोस्तों ये लेंस आप सभी के लिए सबसे बेहतरीन है, क्योंकि वाइड एंगल आपको बहुत ही अच्छा चाहिए होता है जब भी आप वीडियो शूट करते हो। ये बुके इफेक्ट दोस्तों आपको फोटोग्राफी के लिए अच्छा होता है, पर जब भी आप वीडियोग्राफी शूट करते हो तो आपको वाइड एंगल बहुत ही अच्छा चाहिए होता है। तो चलिए दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको 18-55mm का वीडियोग्राफी अच्छा लगता है या फिर 10-18mm का वीडियोग्राफी आपको अच्छा लगता है, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपका दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो इस लेंस के रिगार्डिंग में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप सभी के क्वेश्चन के आंसर पूरा डीपली एंड क्लियरली जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने YouTube ऐप में जाकर गिकी रिकी को सर्च कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो दोस्तों इसे अच्छे से अच्छे मैं आपको अनबॉक्सिंग वीडियो आप सभी के लिए जरूर लेकर आता रहूँगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।